इस फिगर में फ्रेंड्स हम हैमर कैंडल स्टिक की इम्पोर्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जा सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बियरिश मूड पे हैं और बियरिश मूवमेंट करते करते यहाँ पे एक पॉइंट पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होता है तो आप समझ जाइए कि ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है और ये बियरिश मोमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद आप देख सकते हैं बियरिश मोमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रही तो बुलिश मूवमेंट प्ले करने के लिए जब हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है नीचे जब बियरिश मोमेंट में अगर इंट्राडे में प्ले कर रहे हैं फिफ्टीन टू फाइव मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में तो सात से आठ कैंडल आप देख सकते हैं अगर इंट्राडे में देख रहे हैं कि किस तरफ मूवमेंट होनी है आ, तो उसमें तीन से चार कैंडल आप देख सकते हैं और हैमर कैंडल फॉर्म होने के हैमर कैंडल का जो हाई है जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करती है तो वहाँ पे बाई साइड की पोजीशन ले सकते हैं और इस केस में स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो हैमर कैंडल की रेड कलर की ये बॉडी है इसके नीचे वाले पोर्शन को हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल सकते हैं